स्टे होम स्टे सेफ। आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के भतीजे युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुज प्रताप सिंह की अगुवाई में लहार विधानसभा में पेट्रोल डीजल के खिलाफ हुआ शंखनाद। लगभग 5000 साइकिलों ने अनुज प्रताप सिंह के साथ साइकिल महारैली में किया शंखनाद। अब तक की सबसे बड़ी खबर लहार से, अनुज प्रताप सिंह की अगुवाई में लहार विधानसभा में ऐतिहासिक रैली का हुआ शंखनाद। उनके साथ युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव राहुल भदौरिया, भिंडतिया के लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया एवं लहार जनपद पंचायत के पूर्व विधायक प्रतिनिधि रमा शंकर सिंह चौधरी, कुहत विधायक मेवाराम जाटव भी साइकिल महारैली में शामिल हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आप देख रहे हैं। पर युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुज प्रताप सिंह की अब तक की सबसे बड़ी रैली का आगाज लहार विधानसभा के मेहुना बालारी से शुरू होकर के लहार की तरफ बढ़ रहा है बड़ा काफिला। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल और आज मैं लहार विधानसभा में हूँ, जहाँ पर मध्य प्रदेश के कद्दावर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्व मंत्री के भतीजे युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुज प्रताप सिंह देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर वृद्धि को लेकर एक बड़ा साइकिल रैली का उन्होंने शंखनाद कर दिया है। बड़ी संख्या में लहार विधानसभा में मेहुना बालाजी से रैली का शंखनाद होता है और सीधा लहार तहसील में बड़ी सभा के रूप में तब्दील होने जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं रैली जिस तरीके से चल रही है, बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में साइकिलों पर सवार युवक कांग्रेस के नेता, युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुज प्रताप सिंह, युवा कांग्रेस के प्रदेश के सचिव राहुल भदौरिया के साथ बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के युवा साइकिल पर सवार होकर चल रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ कैमरामैन पवन कुमार इस समय जुड़े हुए हैं, लगातार रैली पर हमारा फोकस बना हुआ है और ये रैली बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में बात करें तो यहाँ पर युवा चल रहे हैं। देखा जाए तो युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुज प्रताप सिंह की ये पहली रैली होगी, उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण पर नज़र डाली जाए तो ये अनुज प्रताप सिंह की पहली तो देखा जा रहा है तो युवक कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुज प्रताप सिंह की राजनीतिक दृष्टिकोण की ये पहली रैली होगी, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में उनके साथ साइकिलों पर सवार युवा उनका सहयोग कर रहे हैं और जगह जगह कड़ाके की धूप में भी लगातार वो चल रहे हैं। बड़ी रैली यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर ये रैली का आगाज है और इसके साथ ही देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर नज़र डाली जाए तो देश में बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है। तो इस तरीके से ये बड़ी रैली का आगाज युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुज प्रताप सिंह यहाँ पर करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना है कि लहार विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुज प्रताप सिंह को किस प्रकार से समर्थन उनके राजनीतिक कैरियर पर मिलेगा, ये लहार की जनता तय करेगी। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार, हमारे साथ लहार विधानसभा क्षेत्र के गणमान्य नागरिक जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सुदामा दीक्षित जो युवक कांग्रेस के अनुज प्रताप सिंह रैली कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अनुज प्रताप को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नव उभरे हुए नेता है, आगे भविष्य में बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा लड़का है। इनके चाचा ने जो है हमीजा जो है पूरे प्रदेश तक बहुत अच्छा काम किया है और ये भी कर रहा है, मेरा उनको आशीर्वाद है, शुभकामना है, भगवान उनको सदा खुश रखे। मैं हाहाकार मचा है पेट्रोल और डीजल की महंगाई के चक्कर में। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में पेट्रोल 60 रुपए था, आज भाजपा के शासन में 100 रुपए पेट्रोल हो चुका है, डीजल 90 रुपए हो चुका है जी। हर किसान को पर बीघा 600 रुपया का खर्चा पड़ रहा है। आप जब पेट्रोल जब महंगा होता है तो हर चीज में महंगाई आती है, बसों का किराया बढ़ता है, सब्जी वाले सब्जी महंगाई कर देते हैं, बोले भाड़ा से सब्जी महंगी आ रही है, कुल मिला के पेट्रोल की मार से आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। We'll be right back.
आनंद कहाँ से आ रहे हो? लोटमपुरा। लोटमपुरा से आ रहे हो, किसकी रैली में शामिल हुए? पेट्रोल महंगा कर दिया है, सिलेंडर महंगा कर दिया है, और सिलेंडर महंगा कर दिया है और डीजल महंगा कर दिया है। 2014 में 77 था और अब 2021 में 100 ही हो गया। अब तो पूरा मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के सानिध्य में विशाल साइकिल रैली का आगाज हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लगभग 5,000 साइकिल रैली सवार युवा सवारों को संबोधित किया है। सर, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के जो दामों में वृद्धि हुई है, आज युवाओं ने जो संक्रांत किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरह से आज 15 किलोमीटर तपती गर्मी में आम जनमानस भिंड का डॉक्टर गोविंद सिंह जी के मार्गदर्शन में और हमारे अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भाई अनुप प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में जिस तरह से साइकिलों पर जो नौजवान और बुजुर्ग अपने आप निकला गांव में, जब देख रहे हैं तो गांव के लोगों को लगा, तो वो भी महंगाई के विरोध में अपनी साइकिलें लेके जो जुड़ा एक काफिला बना, हजारों लोगों ने जो आज महंगाई के विरोध में आंदोलन करने के लिए नरेंद्र मोदी खिलाफ़ और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो संकल्प लेके लड़ाई लड़ने आए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आम जनमानस को कि आज उन्होंने महंगाई के विरोध में जो हमारा सहयोग किया और लड़ाई लड़ी है। हमारी मांग है आपके माध्यम से कि शिवराज सिंह चौहान, मनमोहन सिंह जी, ये डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दाम कम करें, काला कानून वापस लें, और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल रसोई गैस पर टैक्स कम करें। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में टैक्स कम करके सस्ते दामों में डीजल दिया जा रहा है, इस तरह से मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान कम करें, ये मांग है हमारी। इसी मांग को लेकर लड़ाई निरंतर जारी है। अगर महंगाई कम नहीं हुई, आने वाले समय में देश और प्रदेश की जनता इसका जवाब शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी जी को, माननीय कमलनाथ जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में दिया जाएगा। आप किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप कह रहे हैं कि काले कानून है, 3 कृषि बिल जो लागू हुए हैं, कांग्रेस काले कानून बता रही है, किस तरीके से 3 काले कानून है? देखिए, जिस तरह से भारतवर्ष के अंदर जो अभी जो वातावरण है वो ये है कि कोई भी आदमी आज रजिस्ट्रेशन कानून किस तरीके से काले कानून, देखिए जिस तरह से पूरे षड्यंत्र के साथ चंद उद्योगपतियों को जिनके यहाँ नरेंद्र मोदी गिरवी रखे हुए हैं उनको लाभ देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज काला कानून, जब लाखों किसान भूखा प्यासा सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, काला कानून वापस क्यों नहीं लिया जा रहा? इसलिए नहीं लिया जा रहा कि अड़ानी अम्बानी इन लोगों के बड़े बड़े गोदाम पूरे हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के हर जिले में बन गए। आज ये तय था नरेंद्र मोदी से, ये तय किया गया था कि हिंदुस्तान का सबसे विश्व में अगर कोई मार्केटिंग है तो वो कृषि है, खाद्य सामग्री है, तो इस पर ये उद्योगपति कैसे कब्जा करें, ये पूरा षड्यंत्र काला कानून करके लाए हैं। बड़े उद्योग छोटे उद्योगपतियों को मारने का काम किया जा रहा है, हम्माल भाइयों को, व्यापारी भाइयों को मारने का काम किया जा रहा है, कृषि देगा हमारे को समर्थन मूल्य किसान भाइयों को नहीं मिलेगा, मनमानी ढंग तरीके से अगर कोई व्यापारी भाव नहीं देता है और फसल के दाम लेके किसान के भाग जाता है तो उसको अदालत जाने के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, पुलिस थाने में जाने के अधिकार खत्म करके SDM और कलेक्टर के अपील करने का बोला जा रहा है, जिससे हमारे किसान भाइयों की वकील करने में अपील करने में हजारों रुपए खर्च होंगे। ये इसमें जो हमारे जो कमियां हैं काले कानून है, इसलिए हम इसको काला कानून कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुप प्रताप सिंह, आपकी राजनीतिक करियर की बात करें तो ये सबसे पहली रैली है जो ऐतिहासिक रैली है साबित हुई है, क्या कहेंगे आपने साइकिल रैली को लेकर? चूंकि बढ़ती महंगाई और बिजली बढ़ते हुए रसोई गैस के दामों को लेकर मैंने गांव-गांव जाके युवाओं से, बेरोजगारों से, नौजवानों से, बूढ़े बुजुर्गों से अपील की थी कि साइकिल रैली निकाल के हम लोग विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, इस अंधी और बहरी सरकार को दिखाना चाहते हैं कि भाई डीजल और पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं, इनको वापस लें। तो उसी जन समर्थन में, उसी में लोगों के साथ दिया, अपने घरों से निकले साइकिल लेके और उन्होंने हमारा साथ दिया। हम लोग 15 किलोमीटर बालाजी से लेके लाहौर तक हम लोगों ने साइकिल चला के विरोध प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से कड़ाके की धूप में जो साइकिल पर सवार युवा थे लगातार आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे, अनुप प्रताप सिंह जी, लाहौर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए, किसानों के लिए आपकी क्या सोच है?
मैं चाहूँगा कि वहाँ के युवाओं से और किसानों से कि वो अपने विरोध को जारी प्रदर्शन करते रहें, उसको विरोध को जारी रखें और उसको कहीं ना कहीं वोट के रूप में तब्दील करें, क्योंकि ये बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे समाज, पूरे युवाओं की, पूरे देश की बात है। जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिस तरीके से रसोई गैस के दामों को 900 रुपये तक पहुँचा दिया गया है, आज के दैनिक भास्कर के अखबार में एक खबर छपी है, बिहार की महिलाएं हजारों सिलेंडरों के साथ बेचने निकली हैं क्योंकि बोले हम इनको भरवा नहीं पा रहे हैं, तो इसको रख के क्या करेंगे। इससे मोदी जी को समझ में आना चाहिए कि रसोई गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो मैं अपील करूंगा, उनसे मांग करूंगा कि इन दामों को वापस लें, हम लोगों को राहत पहुंचाएं, जिससे लोग किसान खेती के दाम कम हो, भाड़ों के माल भाड़े के दाम कम हो और लोगों को जीने में, अपना जीवन यापन करने में आसानी हो। संख्या में साइकिल रैली है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहां पर आप देख सकते हैं अनुज प्रताप सिंह, राहुल भदौरिया और उनके साथ बड़ी संख्या में ये साइकिल रैली। हम तक घंटी नहीं दबाएंगे, नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। और ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।